हेलो एवरीवन, सो हियर इज आवर नेक्स्ट ब्लॉग जिसमें मैं अपने दोस्त के साथ जिसका नाम है सुमित तिवारी, इसको लेके मैं अयोध्या जाने वाला हूँ। और कैमरा के पीछे अम्बुज प्रियदर्शी जिसको आप पहले से जानते हैं। सुमित तिवारी कुछ कहना चाहोगे? अयोध्या जो कि हम लोग रहते हैं फैजाबाद में है, और फैजाबाद से अयोध्या मात्र 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है। आप लोग अभी गूगल से चेक किया था 20 किलोमीटर का, अयोध्या 5 से 6 किलोमीटर है, गूगल ने बता दिया। तो अयोध्या me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे अयोध्या राम मंदिर के पास। राम मंदिर नहीं है ये, हनुमान मंदिर है। और अब हम यहाँ पे हैं, इसको कहते हैं अयोध्या की सबसे बड़ी हनुमान गढ़ी है ये, इसे कहते हैं श्री हनुमान गढ़ी, आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है। तो अब हम जा रहे हैं कहाँ पे, अब हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर के लिए लड्डू लेने। और यहाँ के लड्डू देसी घी में बनाए जाते हैं, यहाँ के लड्डू देसी घी में बनाए जाते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं, आपको देसी घी के लड्डू लेने हैं तो वो अलग से थोड़े महंगे पड़ेंगे, और अगर सिंपल बेसन के लड्डू लेने हैं तो वो अलग पड़ेंगे। अलग और अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और अब हम यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं मंदिर की तरफ, जो कि मंदिर थोड़ी सी ऊंचाई पे है, थोड़ी ऊंचाई मतलब कम से कम 10 से 15 फुट की ऊंचाई पे है। आपको अराउंड 50 से 60 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। और ये बहुत पुरातन मंदिर है हनुमान गढ़ी। तो अभी हम जहाँ पहुँच चुके हैं, इसे कहते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर, जो कि अयोध्या का बहुत फेमस मंदिर है। और यहाँ पे हर साल लगभग तीर्थयात्री और काफ़ी पर्यटक घूमने आते हैं, जैसा कि यहाँ हमेशा भीड़ रहती है, शाम के समय से लेकर सुबह के समय से लेकर शाम के समय तक हमेशा भीड़ रहती है। अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे हनुमान गढ़ी मंदिर अयोध्या, जो कि हनुमान जी का मंदिर है हमारे पीछे, और मैं आपको बगल में दिखाना चाहूंगा यहाँ से नजारा दिखता है। और यहाँ की सबसे खास बात यह है कि अयोध्या में आपको हर घर में एक मंदिर नजर आएगा, और हर घर में एक मंदिर नजर आएगा का मतलब ये है कि आपको उसके दरवाजे पे लगेगा कि ये एक मंदिर ही होगा, पर ये घर होगा। तो अभी जहाँ पे हम खड़े हैं, इस जगह को कहते हैं हनुमान गढ़ी, और आप लोग को तो पता ही होगा बाबरी मस्जिद का, जो कि अयोध्या का ही फेमस कांड है, जिसमें बहुत सारे हिंदू मुसलमान वगैरह दोनों में दंगा हुआ था और काफी जाने गई थी, तो इसी एरिया से रिलेटेड है। और हम उस जगह को तो कवर नहीं कर पाए जहाँ पे ये कांड हुआ था, क्योंकि वहाँ पे कैमरा और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउ नहीं है, और उसे बेसिकली कहते हैं राम जन्मभूमि, और जहाँ पर हम लोग इस वक्त हैं उसे कहते हैं हनुमान गढ़ी। और जस्ट हमारे पीछे एक बंदर भी आपको नजर आ रहा होगा, जो कि हम नहीं देख सकते। तो अपनी माया के यहाँ आके काफी शांति सा प्रतीत होता है आपको, आप अगर डिप्रेशन फेस कर रहे हो या फिर परेशान हो तो आप एक धार्मिक प्लेस में टाइम निकाल के जा सकते हैं, और अयोध्या उसमें बेस्ट प्लेस होगी आपकी चॉइस के लिए।
बजट के अनुसार भी है, आप घूम भी सकते हो और धार्मिक भी है। सही बात है। एक बार आपको स्नैप दिखाते हैं बैक कैमरे से, बैक कैमरे देखो। लड्डू जब भी ले गए इतना बड़ा पैकेट बदले, छोटा सा पैकेट लें क्योंकि आधे से ज्यादा लड्डू ये चढ़ा देते हैं और लड्डू मिलता कुछ नहीं खाने को, इसलिए छोटे लड्डू लेके आए यहाँ। जितना लड्डू लेके आएंगे उसमें से आधे से ज्यादा चले जाएगा। आप अपनी श्रद्धा से लेके आइए भैया, इन सबको कहने दीजिए, सब गलत आदमी है, कोई ऑफेंस नहीं है किसी को। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये वो जगह है जहाँ पे पिछली साल 152,000 दीपक जलाए गए थे। और नए घाट में यहाँ पे आगे जो नदी बहती है उसको कहते हैं सरयू। और यहाँ पे अभी आरती होने वाली है इस नए घाट में पानी के। हम मुझ पे रफी का कहना है कि हमें पानी की तरफ लेके चलो जहाँ की उधर है, उस तरफ जो कि अभी मैंने आपको दिखाया। और अंबुज बेदर्शी बहुत तेज आगे बढ़ते हुए, यहाँ पानी में अंदाजा नहीं है कि कितना गहरा होगा, जा रहे हो आगे चलो। और इनके बाद हम पीछे पीछे इनके आते हुए यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं हम तैयारी कर चुके हैं आगे बढ़ने के लिए। और अभी यहाँ सरयू जी की आरती शुरू होने वाली है कुछ देर में। दिस इज आवर सेकंड ब्लॉग जिसमें मैं अपने दोस्त सुमित तिवारी के साथ जाने वाला हूँ अयोध्या। ठीक था फिर से करो। और आज हम जाने वाले हैं अयोध्या। सुमित तिवारी, गाड़ी